तो यहाँ पर हम डर हो रहे हैं और उसी गाने पे ये मूड हो गया फ्रेश। ये फॉरनर देख रहे हैं ना, ये भी अपने बच्चों के लिए यही टॉयज लेकर आई है और अपने उसके बच्चे भी ऐसे ही खेल रहे हैं। तो बाप रे बाप, हमें तो थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी मस्ती करने है यार, मस्ती करो ठीक है, दूसरों को देख के किस लिए। तो यहाँ पर हमारी मस्ती कंटिन्यू है थोड़ा सा, हम लोगों ने शूट वूट करने के बाद ना, और मेरे हस्बैंड को मैंने वीडियो बनाने के लिए बोला था, और देखिए यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना एकदम मजे से वीडियो बना रहे हैं। तो खैर, वीडियो बनाने ही आए थे, अदरवाइज एंजॉय करने आए हैं, और फॉरनर्स हैं इनका तो यही सुनना हुआ ही है। तो चलिए, यहाँ मेरी बेटी देखिए, हम लोगों ने कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी बनाए थे यहाँ पर, तो ये फनी शॉर्ट्स थे, तो यहाँ पर ये शॉर्ट्स भी हमने इसमें शूट किए हुए हैं और बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल हमें ना गोवा, हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो हमने जैसा सुना था ना कि यहाँ जाइएगा तो ये करिएगा ये करिएगा, तो हमने सब कुछ करने की कोशिश की इस ब्लॉग में। और ये देखिए आई यहाँ डांस कर रहे हैं, बेबी काम डाउन करके तो काम डाउन हो रहे हैं और उसी गाने पे ये डांस कर रहा है, और ये बहुत फनी डांस करता है, बहुत मज़ा आता है हम लोगों को इसका ये डांस देखकर। और यहाँ सैंड से कुछ बना रही हैं, तो बन रहा है, ये हमारे शॉर्ट्स का पार्ट था, तो मस्ती हो रही थी जस्ट, तो हमने इसको इंक्लूड कर दिया अपने ब्लॉग में, तो आप लोग जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, आज मैं गोवा बीच पे हूँ और आप देख सकते हैं बीच का नज़ारा कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सनलाइट है, देख सकते हैं। ये देखिए मेरे पीछे लहर आ रही है, ये देखिए पीछे मेरे हस्बैंड और बच्चे, हमारे पीछे कुछ नाइजीरियंस खड़े हैं, देख सकते हैं आप। इन सब की मस्ती चल रही है और वाकई में बहुत मजा आ रहा है। लहरें देख सकते हैं आप, मैं बैक कैमरा दिखाती हूँ आपको, ये आयु भी जा रहे हैं पीछे पीछे, डरती हूँ मुझे ज़्यादा पानी में जाने से ना डर लगता है। फिर फाइनली इतना गुस्सा किया मैंने, ये लोग आ गए इधर, और देखिए उस मतलब जो वो फॉरनर है ना, वो इतना आगे गई कुछ पूछिए ना। और ये देखिए शाम का टाइम हो गया है, अब यहाँ पर चेयर्स वगैरह लग गई हैं और यहाँ पर ना स्नैक्स वगैरह लोग खाएंगे, जो भी अपना खाना पीना है खाएंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना बैठ कर बियर शियर चढ़ाएंगे। अब मैं भी गोवा आई थी और ये सब भी ना, इन्होंने भी बियर ऑर्डर की थी जो रशियंस हैं, और मुझे भी बड़ा मन कर रहा था यार गोवा आए हैं तो हम भी पी ले थोड़ा सा, थोड़ा मस्ती कर ले, गोवा आने का फिर क्या फ़ायदा। और पता है जब मैं गोवा जा रही थी ना, मेरी फ्रेंड बोल रही थी यार गोवा जा रही है ना, तो मतलब बियर शियर भी ज़रूर पीना, मस्ती करना। पर मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, क्यों जी मैं भी पी
सकती हूँ क्या थोड़ा सा? बोले नहीं। फिर मैंने कहा प्लीज़ पीने दीजिए ना थोड़ी सी, फर्स्ट टाइम है, पी के देखो ना कैसी होती है। बोले नहीं, चढ़ जाएगी, उल्टी छुल्टी कर दोगी। और आपको बताऊँ, मैं यहाँ मैं बन तो बड़ी दिलदार रही थी कि हाँ हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कर लूँगी ये वो। फिर देखिएगा अभी आगे क्या होता है। और यहाँ पर देखिए कि डूबता हुआ सूरज कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर शाम हो चुकी है और हमारी मस्ती कंटिन्यूसली चल रही थी तब तक। उसके बाद हमें लग गई भूख, और भूख हमें ही नहीं बच्चों को भी लगी थी। तो हमने सोचा कि चलो कुछ खाते पीते हैं और बाहर निकलते हैं। और यहाँ पर मोस्टली देखिए सब लोग बाहर निकल रहे हैं। हाँ, मैं स्टाइल मार रही हूँ अपनी बालों के साथ, और मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही हूँ अच्छे से शूट करिएगा, बढ़िया सा पिक्चर आना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ हाँ हीरोइन बन के घूमो तुम, मैं अच्छे से शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारी गपशप भी चल रही थी, जो कि हर हस्बैंड वाइफ में होता है। तो उसके बाद फिर हम बच्चों को तो मैंने बोला कि चलो बाहर निकलते हैं, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहते। ये बोले मम्मा खाना तो थोड़ी देर में खा लेंगे, इतनी ज़्यादा भी भूख नहीं लगी है, चलिए यहाँ पर मस्ती करते हैं। फिर यहाँ पर मस्ती शुरू हो गई, निकल के जा रहे थे बार बार आ रहे थे, यही हो रहा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड देखिए इस कॉर्नर को, ये तो ऐसे चल रही लग रहा है, इसने आती नहीं कौवा लगा के रखा हुआ है मतलब इतना स्लो मोशन में। तो यहाँ पर देखिए मस्ती हमारी, ये हमारे शॉर्ट्स जो बन रहे हैं, और यहाँ डांस कर रही हूँ क्योंकि पीछे बहुत अच्छा सा म्यूज़िक बन रहा था। बट म्यूज़िक लगाती तो कॉपीराइट दे देता यूट्यूब, इसलिए म्यूज़िक हटाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए मैं गुस्सा भी कर रही हूँ बेटी पर कि बाहर निकलो बेटा बाहर निकलो, और ये यहाँ स्विमिंग करने में लगी हुई है और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। और मुझे थोड़ा सा अच्छा भी फील हो रहा था कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और देखिए पीछे खड़े होकर ना जितने भी रशियंस थे यहाँ पर सभी बियर पी रहे थे, और इनको देखकर ना मुझे भी एक एक्साइटमेंट हो रहा था कि यार मुझे भी पीने दीजिए, ये भी तो लड़कियाँ ही हैं, तो मैं कौन सा, ये कौन सा दूसरी दुनिया से आई हैं, ये पी सकती मैं नहीं पी सकती। तो फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड हो गया ये सब करते करते। और उसकी याद यहाँ देखिए आई अपने डैडी को कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ मस्ती हो रही है और देखिए आयु लेट गया वहाँ पर। और पता है ये लोग अंदर में से ना शंख ढूंढ रहे थे, छोटे छोटे से यहाँ पर शंख थे, और दीदी ने देखे मेरी बेटी ने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। और मेरे हस्बैंड की वहाँ अलग ही मस्ती चल रही है, बट वहाँ पर मुझे डर लगता है, मैं तो अंदर नहीं गई और मैं बाहर भी अपना मस्ती कर रही हूँ, थोड़ा बहुत पानी में गई और इन्जॉय किया। करते करते हमें भयंकर भूख लग गई थी, तो हम आ गए यहाँ बैठने, और बच्चों को भी भूख लगी थी, तो बच्चों ने यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया। और हमने जो हमारे बीच डिसाइड हुआ था मेरे हस्बैंड और मेरे साथ कि मैं भी यहाँ थोड़ी सी बियर पीऊँगी, तो मेरे हस्बैंड मुझे अभी भी इशारा कर रहे थे कि नहीं। फाइनली फिर हमने बियर ऑर्डर की, और मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में बियर पी, और पीने के बाद ना मत पूछिए दो बार उल्टी भी की और यहाँ पर हमारा पानी भी ख़त्म हो गया था, दीदी को प्यास लग रही थी, तो हमने एक ठंडी बोतल ऑर्डर की। तो हमारा यहाँ पर देखिए एक कैंडल लगा कर रख गई है टेबल पे, और हमारे बगल में रशियंस वो जो बैठे हुए थे वो अभी भी यहाँ बैठ के आराम से ठूंस रहे थे, और उन्हें देखकर हमें भी भूख ज़्यादा लग रही थी। तो हमारा यहाँ ऑर्डर जब तक आ रहा है तब तक मैं यहाँ शूटिंग वूटिंग कर रही थी। और ये देखिए पीछे यहाँ पर सबकी टेबल पर ये रख रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर होगा लग रहा है। हमारा ऑर्डर आने में हो रही थी देर, तो मैं लगी हुई थी, और फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका था, दो बियर और यहाँ पर फिंगर फ्राइज़ बच्चों के लिए। और मैंने सैंडविच ऑर्डर किया था, तो सैंडविच बनकर आ रहा था, और मैंने मेरे हस्बैंड को, और उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, यहाँ पर बीच पर बेचने के लिए आ गया ये बैंगल्स जिन पर लाइट जल रही थी, बच्चों ने ज़िद की तो इन्हें ये बैंगल्स दिलाना पड़ा। उसके बाद इनकी यहाँ मॉन्स्टर गेम हो रहा था, और सब ने बहुत इन्जॉय किया। और फाइनली मैंने दो बार उल्टियाँ भी की क्योंकि पी ली थी मैंने बियर। और उसके बाद यहाँ बिल पेमेंट हो रहा है, और मेरे हस्बैंड ने भी देखे थोड़ी सी लगाई हुई है, हालांकि ये पीते नहीं है ये, बट आज हम दोनों ने पी और बहुत ज़्यादा मस्ती की। आपको हमारे आगे की वीडियो में पता चलेगा कि हम एक नंबर के नसड़ी लग रहे थे इस टाइम पर, और आप मुझे अभी देखेंगे ना तो आपको पता चल ही जाएगा कि आई एम अ फर्स्ट टाइम, ये देखिए मैंने फर्स्ट टाइम पी थी, और मेरा मुंह देखकर आपको लग रहा होगा यहाँ मैं फुल टल्ली थी, और मैंने सिर्फ एक ग्लास ही पी थी बियर, और उसमें मेरा ये हाल था जिसमें कि मैं दो बार उल्टियाँ भी कर चुकी थी। और उसके बाद बैकग्राउंड में म्यूज़िक इतना अच्छा था ना बीच पर, तो हमने बहुत सारा यहाँ डांस भी किया। और डांस ना आपको मैं बताऊँ कि यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, पीछे यहाँ पर पब भी था, वहाँ पर डांस हो रहा था जो हमने शूट नहीं किया। और उसके बाद हम आगे बढ़े तो ये हमें झींगा देखने को मिला जो कि ऐसे ही रखा हुआ था शो पीस में। फिर दिखी ये मछलियाँ,
जो कि हमने देखी बहुत ज़्यादा बदबू कर रही थी। बाप रे बाप, बस मैं शूट करके तुरंत यहाँ से निकली और एक बार और वॉमिटिंग की मैंने। तो फाइनली बियर, एक ग्लास बियर में मैंने 3 बार उल्टियाँ की। आज जाकर मुझे पता चला कि उल्टी करने के बाद कितना अच्छा फील होता है। और यहाँ मेरे बच्चे मुझे देख रहे थे, बट इन्हें नहीं पता था क्योंकि मैं साइड में जाके उल्टियाँ कर रही थी, इन्हें कुछ नहीं पता था। और मेरे हस्बैंड मुझे गुस्सा कर रहे थे कि और पियो और पियो। तो फिर खैर हमारा ट्रिप अच्छा रहा और यहाँ बच्चों का डांस देख के मेरा मूड हो गया फ्रेश। और क्योंकि 3 बार उल्टियाँ की थी इसलिए मैं भी हल्की हो गई थी, तो यहाँ आयु काम डाउन पर लगे हुए हैं। और बहुत मस्ती करने के बाद हमारा दिन यहीं हो गया ख़त्म। तो आज का दिन हमने ऐसे ही इंजॉय किया। उसके बाद यहाँ देखिए ये पब्स हैं जो यहाँ पर डांस वांस कर म्यूज़िक बजता है, बट थोड़ा लेट था तो हम यहाँ से निकले। और क्योंकि ज़्यादा देर रुकते तो बहुत अंधेरा हो जाता और हमारा होटल बहुत दूर था, तो हम यहाँ से निकल गए। और फिर हो गया हमारे डिनर का टाइम और लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि बच्चों ने स्नैक्स खाया था, वहाँ पर डिनर का कुछ भी आइटम नहीं था। तो हम बस अपने डेस्क होटल के आसपास ही पहुँच के सोच रहे थे कि आसपास पहुँचने के बाद ही डिनर करते हैं ताकि आराम से खा के होटल चले जाएंगे और रिलैक्स होकर सो जाएंगे। तो रास्ते में तो कहीं था भी नहीं क्योंकि हाईवे था, यहाँ पर कहीं भी ऐसा होटल नहीं दिखा। और उसके बाद चेंज वेंज करके हम लोग बस निकले। और ये देखिए मेरा गोवा वाला ड्रेस, और इसमें ना मैंने इतना मतलब अलग से ख़रीदा था, ये गोवा में ही ख़रीदा है हमने ड्रेस। और ये ड्रेस आपको पता है पूरा 1200 का था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मिल गया हमें एक होटल, ये रोड साइड पे ही था हाईवे पे, तो हमने सोचा कि यहाँ खाते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा होटल पास में ही था। और ये मेरा ड्रेस पता है आपको 1200 का। मुझे ठग लिया यहाँ पर यार गोवा वालों ने, क्योंकि हम अगर अपनी साइड से लेते तो ये मुश्किल से होता 400 या 500 का, और अगर ऑनलाइन भी खरीदते तो इतने का ही पड़ता। पर खैर कोई बात नहीं। और हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं अपने डिनर का। और हमारा डिनर यहाँ पनीर का सब्जी, दाल और राइस, क्योंकि ना दाल चावल खाने का बहुत मन कर रहा था यार, क्योंकि हमारा ट्रिप ये 4-5 दिनों का था और घर का दाल चावल याद आ रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ दाल चावल ऑर्डर किया और हस्बैंड ने पनीर की सब्जी और मेरे मामा जी ने रोटियाँ ऑर्डर की थी। तो यहाँ देखिए सबको नींद आ रही है और सब बोल रहे हैं कि मम्मा जल्दी खाते हैं और चलते हैं सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और मुझे भी देखिए मेरी यहाँ पूरी उतर चुकी है और मुझे भूख भयंकर लग रही है और बच्चे भी बहुत थक गया, इन्हें भी सोने का मन कर रहा है। तो बस हम डिनर करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे होटल और जाकर चेंज करके सो जाएंगे। तो अभी हमारा डिनर आने में टाइम था, तो तब तक मेरी शूटिंग वूटिंग चल रही थी। और आयु यहाँ बोल रहा था मम्मा बहुत ज़ोर की भूख लगी है और नींद भी आ रही है, क्योंकि ना पानी में मस्ती करने के बाद ना थोड़ा ज़्यादा नींद आती है, थकान भी होती है। सब खा रहे हैं, खाने जा रही हूँ अपना डिनर और बस यहीं से हमारा ब्लॉग खत्म हो गया। Bye bye.